ओम शांति। आज तारीख है 8 सितंबर 2020। आज की मुरली से मुख्य धारणाएं। आज बाबा ने कहा, गायन भी है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। रचिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, आते भी है अंत में। दूसरी पॉइंट है, तुम हो नर को नारायण बनाने वाले, राजयोग भी तुम सिखलाते हो, नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। फिर बाबा ने कहा, जैसे बाप के संकल्प और बोल में नयनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई होनी चाहिए। अभी सुनेंगे प्यारे बाप दादा की विस्तार से मुरली। थे बच्चे, अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं, क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। प्रश्न, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? उत्तर, तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सदगति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिकलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते रहे जरूर। कल्प नाम रख दिया है। जो कहना पड़ता है इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। ये बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी भी कोई इस मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं। जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते, कोई को पता नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं, तो बहुत प्यार होना चाहिए। भेद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं, हे हेविनली गॉड फादर। हेविन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को। परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं है। सन्यासी तो मानते ही नहीं है। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है, हेविनली गॉड फादर। यह अक्षर बहुत मीठा है और हेविन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेविन और हेल का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो जो सर्विसेबल है सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। उच्चते उच्च बाप की ही श्रीमत है। श्रीमद् भगवद गीता भी गाई हुई है। यह है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से झट वर्षा याद आ जाता है। ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो कृष्ण को ही कहेंगे, गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाप ने राजयोग सिखाया जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं। परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई है, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है, उस बाप को भूल गए हैं। इनको कहा ही जाता है एकज भूल या नाटक। बड़े ते बड़ी भूल यह है जो बाप को नहीं जानते। कभी कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कच्छ मच्छ अवतार है, ठिककर भीतर में है। भूल में भूल होती जाती है, सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, तमोप्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिककर भीतर में कह देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो, कुछ भी किसी को पता नहीं है। ड्रामा क्या करता है पूछते रहते हैं, ये दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष आगे समझते हैं। पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है।
गायन भी है, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। तुम समझते हो रचिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, बाप ही आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं, रचिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, आते भी है अंत में, टाइम तो लगता है ना, यह भी बच्चों को समझाया है। ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितना याद की यात्रा में लगता है। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किनो का राज्य था, वह राज्य कहा गया। तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है, तुम हो कितने साधारण, अजामिल जैसे पापी, अहिल्याए खुबजाए भिलनिया उनको कितनी ऊंच बनाते हैं, बाप समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते पुरानी दुनिया का अब हाल के देखो क्या है, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं तुम अपनी दिल पर हाथ रख कर पूछो आगे यह कुछ जानते थे, कुछ भी नहीं, अभी जानते हो। बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया, तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन न सकते। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप से कितना बार राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, कब सुना ही नहीं, अभी अर्थ सहित तुम समझते हो। तुम बच्चे बाप को तो याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में गुरु करते हैं, गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं व घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है, बाप शिक्षक सदगुरु सब एक ही है। बाप कहते हैं मैं साथ में ले चलूँगा, तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, बोलो हम नई दुनिया में राज्य प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। यह है ही राजयोग, जैसे बैरिस्टर योग होता है तो जर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना, तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राज्य प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा भगवान, उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है, रथ का नाम तो है नहीं। मेरा नाम है शिव, बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। अभी तुम जानते हो यह कितनी वंडरफुल है, शरीर तो एक ही है, इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर दो आत्माएं ठहरी, यह भी तुम जानते हो और किसी को यह ख्याल में भी नहीं आता। अब दिखाते हैं भाग्यरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया, अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो क्या लाया, किसने लाया, किसने प्रवेश किया। बाप ने किया ना, मनुष्य में पानी थोड़ी प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़ी आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते हैं। कहा ही जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? ब्राह्मण रिलीजन में। हाँ यह ठीक है, जो कुछ ताकत है वो ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं। तुम अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है, तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूप भल बनाया है, परंतु वह भी आधा है, मुख्य रचता और उनकी पहली रचना का कोई को नहीं जानते हैं। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी, इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना, तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, देवता से भी ऊंच हो, तुमको अब ताकत मिलती है। सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारे विश्व को शांति बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सदगति करते हैं श्रीमद् द्वारा। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो, सारे विश्व पर तुम राजा ही करेंगे। अभी गाते हैं ना भारत हमारा देश है, कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत की महिमा, कभी फिर कहते भारत की क्या हालत है, जानते नहीं कि भारत इतना ऊंच कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नरक यहाँ ही है, जिसको धन मोटर आदि है वह स्वर्ग में है, यह नहीं समझते स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। यह सब कुछ सीखना है, साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है, यह साइंस भी वहाँ सुख देती है। यह तो इन सब से है अल्प काल का सुख,
वहाँ तुम बच्चों के लिए यह स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएगी जो सीखेगी। यहाँ के बच्चे साइंस सीखकर वहाँ चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। अभी है अल्प काल का सुख, फिर यह बॉम्ब शादी ही सबको खलाश कर देंगे। मौत के बिगैर शांति का राज्य कैसे हो? यहाँ तो अशांति का राज्य है। यह भी तुम्हारे में नंबर वार है जो समझते हैं। हम पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना। भक्ति मार्ग में भी सबकी मनोकामनाएं, भक्ति मार्ग में भी सबकी कामनाएं पूरी करता आया हूँ। संदेशों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं, देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्च होता है पूछो, यह कब से शुरू हुआ है तो कहेंगे परंपरा से चला आया। कितना भटकते रहते हैं, यह भी सब ड्रामा में है। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। ये देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्हें की पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम उच्च प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी उच्च बनाता हूँ। उच्च से उच्च भगवान की ही श्रीमद् कृष्ण की तो नहीं कहेंगे। गीता में भी श्रीमद् मशहूर है। कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बात है, कभी किसकी बुद्धि में आएगा नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं सर्वोत्तम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण, तुम कुछ सर्विस करते हो तो यह प्राइज मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम यह ब्याज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि यह भी रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को हमेशा ब्याज लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचिता, वह इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं मनमना भवो, देह सहित सब संबंध छोड़, मामे कम याद करो तो कृष्ण की डिनेस्टी में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं, बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते हैं नारायण की पूजा करते थे, नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी, चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, ब्याज तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर को नारायण बनाने वाले। राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो, नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो, बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने, सन्मुख बैठने से याद पड़ती है बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सन्मुख बैठे है तो जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं ऐसा मीठा बनना हो। दूसरा, बाप की श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत पर चल, अपना राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का हेविन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। वरदान, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्वों को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाप के संकल्प व बोल में नयनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माओं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति की शक्ति की किरणों से देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी।
लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। स्लोगन है, मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाज़ा है, अब इस दरवाजे को बंद करो। मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाज़ा है, अब इस दरवाजे को बंद करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू।